फ्रेंड्स, इस ट्रिप की शुरुआत हम करेंगे बैजनाथ शिव मंदिर से। बैजनाथ भारत के हिमाचल प्रदेश के राज्य के कांगड़ा ज़िले में स्थित एक नगर है। यह पालमपुर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ हिंदुओं के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। प्राचीन गोमती नदी के तट पर स्थित बैजनाथ 1130 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मंदिर के लिए जाना जाता है, जिन्हें वैद्यनाथ या चिकित्सकों के भगवान के रूप में पूजा जाता है। बैजनाथ मंदिर 1204 ईस्वी में अपने निर्माण के बाद से एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल रहा है। यह प्रारंभिक मध्ययुगीन उत्तर भारत मंदिर वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है, जिसे नागर शैली के मंदिरों के रूप में जाना जाता है। मंदिर के बरामदे में लगे दो लंबे शिलालेखों से पता चलता है कि वर्तमान मंदिर के निर्माण से पहले भी इस स्थान पर भगवान शिव का एक मंदिर मौजूद था। बैजनाथ हिमालय की विशाल धौलाधार श्रृंखला के बीच स्थित है और पैराग्लाइडिंग के शौकीनों के लिए एक लोकप्रिय स्थल है। पूरा क्षेत्र विभिन्न देवताओं के समर्पित मंदिरों से भरा हुआ है, जो कि स्थानीय लोगों के लिए बहुत आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। अपनी आगे की यात्रा के लिए बैजनाथ के चामुंडा देवी मंदिर के लिए निकले। चामुंडा देवी मंदिर कांगड़ा के हिमाचल प्रदेश में पालमपुर के पास स्थित है। यह मंदिर बैजनाथ से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम पालमपुर के चाय के बागानों से होते हुए पहुँचे चामुंडा देवी मंदिर। चामुंडा देवी मंदिर बानेर नदी के तट पर बसा महाकाली को समर्पित मंदिर है। यहाँ पर आकर श्रद्धालु अपनी भावना के पुष्प माँ चामुंडा देवी के चरणों में अर्पित करते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देश के कोने कोने से भक्त यहाँ आकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चामुंडा देवी मंदिर धर्मशाला से भी 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माँ चामुंडा का यह मंदिर लगभग 700 वर्ष पुराना है, जो घने जंगलों और बानेर नदी के पास है। इस विशाल मंदिर का विशेष धार्मिक महत्व है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर हिंदू देवी चामुंडा, जिसका दूसरा नाम देवी दुर्गा भी है, को समर्पित है। दुर्गा सप्तशती के सप्तम अध्याय में वर्णित कथाओं के अनुसार एक बार चंडमुंड नामक दो महादैत्य देवी से युद्ध करने आए, तो देवी ने काली का रूप धारण कर उनका वध कर दिया। माता देवी की भ्रगटी से उत्पन्न कालिका देवी ने जब चंडमुंड के स्थिर देवी को उपहार स्वरूप भेंट किए, तो भगवती देवी ने प्रसन्न होकर वर दिया कि तुमने चंडमुंड का वध किया है, अतः आज से तुम संसार में चामुंडा के नाम से विख्यात हो जाओ। मान्यता है इसी कारण भक्तगण देवी के इस स्वरूप को चामुंडा रूप में पूजते हैं। Thank you.
मेहर नदी का पानी बहुत ठंडा है। अब हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हुए चामुंडा देवी से कांगड़ा होते हुए पहुँचे एक प्रसिद्ध मंदिर माँ बगलामुखी मंदिर। सिद्धपीठ माता बगलामुखी के मंदिर में हर वर्ष देश व विदेश के विभिन्न राज्यों से लोग आकर अपने कष्टों के निवारण के लिए हवन पूजा पाठ करवाकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बगलामुखी माँ दुर्गा का तांत्रिक स्वरूप है। वे 10 महाविद्या में से 8वीं विद्या है। रूपकारों में इन्हें अष्टदस्त भुजा रूप में चित्रित किया गया है। संयम नियम पूर्वक माँ बगलामुखी के पाठ पूजा जाप अनुष्ठान से सर्व अभीष्ट सिद्ध होते हैं। माँ दुश्मनों का नाश करती है। यहाँ शत्रुओं से आशय काम क्रोध लोभ मद और मोह से है। माँ बगलामुखी की पूजा राज में विजय दिलाने वाली राज्य अधिकार के योग को संभव बनाने वाली है। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में पांडवों द्वारा ज्ञातवास के दौरान एक रात में की गई थी, जिसमें सर्वप्रथम अर्जुन एवं भीम द्वारा युद्ध में शक्ति प्राप्त करने तथा माता बगलामुखी की कृपा पाने के लिए विशेष पूजा की गई थी। कालांतर से ही यह मंदिर लोगों की आस्था एवं श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है तथा वर्ष भर में श्रद्धालु जो श्री ज्वालामुखी माता चिंतपूर्णी नगरकोट आदि के दर्शन के लिए आते हैं, वे सभी इस मंदिर में आकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर के साथ शिवालय में आदमकद शिवलिंग स्थापित है, जहां लोग माता के दर्शन के उपरांत शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार माता बगलामुखी की आराधना सर्वप्रथम ब्रह्मा एवं विष्णु भगवान ने की थी। इसके उपरांत परशुराम ने माता बगलामुखी की आराधना करके अनेक युद्धों में शत्रुओं को परास्त करके विजय पाई थी। द्रोणाचार्य रावण मेघनाथ इत्यादि सभी महायोद्धाओं द्वारा माता बगलामुखी की आराधना करके अनेक युद्ध लड़े गए। नागरकोट के महाराज संसार चंद कटोच भी प्राय इस मंदिर में आकर माता बगलामुखी की आराधना किया करते थे। माता के आशीर्वाद से उन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी। माता बगलामुखी की संपूर्ण भारत में केवल 2 सिद्धपीठ शक्ति मंदिर हैं, जिसमें एक मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया में तथा दूसरा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के बनखंडी में स्थित है। लोगों का अटूट विश्वास है कि माता अपने दरबार में किसी को निराश नहीं भेजती है। केवल सच्ची श्रद्धा एवं सद्विचार की आवश्यकता है। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम देहरा होते हुए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर पहुँचे, जो कि है जिसका नाम है ज्वालामुखी, जो कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला में स्थित कालीधर की घाटी में समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है और देवी ज्वालामुखी को समर्पित है, जिन्हें ज्वलंत मुख की देवी भी माना जाता है। मंदती है कि यह स्थान वह है जहां देवी सती की जीभ पृथ्वी पर गिरी थी, जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर को काट दिया था। वह मां दुर्गा के रूप में पूजनीय है और यहां चट्टान में ज्वाला के रूप में प्रकट होती है। मंदिर में कुल 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हैं, जो 9 देवियों महाकाली अन्नपूर्णा चंडी हिंगलाज विंध्यवासिनी महालक्ष्मी सरस्वती अंबिका और अंजी देवी का प्रतिनिधित्व करती है और उनके नाम पर भी है। इन पवित्र ज्वालाओं की पूजा करने के लिए पूरे भारत से बड़ी संख्या में भक्त वर्ष के दौरान मंदिर में आते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष द्वारा किए गए विशाल यज्ञ में उनकी बेटी सती और उनके पति शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था। माता सती बिना बुलाए ही यज्ञ में पहुँच गए, लेकिन अपने पति शिव के अपमान के कारण उन्होंने कुंड में कूदकर अपना शरीर त्याग दिया।
उनके इस कृत्य से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उनके शरीर को लेकर तीनों लोकों में गए। शिव के भयानक तांडव रूप को देखकर देवताओं ने शिव के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। पूरी सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए विष्णु जी ने सती के शरीर के कई टुकड़े कर दिए और जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना की गई। जिस स्थान पर सती की जिह्वा गिरी थी देवी ज्वाला के रूप में प्रकट हुई। यह स्थान श्री ज्वालामुखी के नाम से प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार चरवाहा राजा इस स्थान के आसपास चढ़ा लीला से पत्नी अटना द्वारा दिव्य धारी किया जाता है। वह गायक गौशाला में रात को पता चला तो उस जगह आग की लपटें दिखाई थी। इस पवित्र स्थान के बारे में सपना देखने वाले राजा भूमिचंद ने एक मंदिर बनाने का फैसला किया। इसे ज्वालामुखी मंदिर में जाना जाने लगा। पूजा का अधिकार शक्तद्वीप से भोजक जाति के दो ब्राह्मणों को देवी की पूजा करने का अधिकार दिया गया। उन्हीं ब्राह्मणों के वंशज आज तक देवी ज्वालामुखी दरबार में पूजा करते आ रहे हैं। मंदिर के निर्माण में अहमद शाह अब्दाली को महाराजा रंजीत सिंह ने 1765 में खैबर दरवाजा बालाकोट अफगानिस्तान में हराया था, जिसे विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा के रूप में भी जाना जाता है। इस विजय में महाराजा रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा तथा स्वर्ण भंडार प्राप्त हुए। महाराजा द्वारा प्राप्त सोने के भंडार में से 50% का उपयोग स्वर्ण मंदिर अमृतसर के मुख्य गुंबद के निर्माण में, 25% ज्वालामुखी मंदिर में और 25% काशी विश्वनाथ मंदिर में किया गया था। मुख्य गुंबद मंडप शैली में बनाया गया है। वर्तमान मंदिर उसी रूप में है। तत्पश्चात मंदिर का मुख्य चांदी का दरवाजा महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र द्वारा यहाँ दिया गया था। इस मंदिर के और भी कई किस्से जुड़े हैं, जैसे कि भक्त ध्यानी का किस्सा और अकबर का किस्सा। हेलो फ्रेंड्स, हम अपनी आगे की यात्रा के लिए ज्वाला जी से निकलकर चिंतपूर्णी आए, जो कि ऊना डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश में ज्वाला जी से 33 किलोमीटर की दूरी पर है। यह माता भगवती छिन्नमस्तक देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक श्री मार्कंडेय पुराण के अनुसार सभी असुरों के वध के बाद और बड़े युद्ध में जीत के बाद माँ भगवती की दो सहयोगिनियाँ जया और विजया, जिन्होंने विभिन्न असुरों को मारकर उनका खून पी लिया था, अभी और भी खून की प्यासी थी। इसलिए माँ ने अपना सिर काटकर अपने रक्त से अपनी सहयोगिनियों की प्यास बुझाई। तब से माँ भगवती के इस रूप को माँ छिन्नमस्तिका या छिन्नमस्ता कहा जाता है। पुराने ग्रंथों, पुराणों और अन्य धार्मिक पुस्तकों के अनुसार यह भी उल्लेख किया गया है कि माँ छिन्नमस्तिका धाम या स्थान या मंदिर की रक्षा भगवान रुद्र महादेव द्वारा की जाएगी। इसलिए यह धाम चारों तरफ से महादेव के मंदिर से घिरा हुआ है। पूर्व में कालेश्वर महादेव मंदिर, पश्चिम में नरहना महादेव मंदिर, उत्तर में मुच्छकुंड महादेव मंदिर, दक्षिण में शिवबाड़ी। इसके अलावा पंडित माई दास माँ छिन्नमस्तिका के एक प्रसिद्ध भक्त थे और उनकी तब तक पूजा करते थे जब तक एक दिन माँ ने उन्हें अपने दर्शन नहीं दिए। हालांकि इस स्थान को छबरोह कहा जाता था,
लेकिन जब से माँ ने आकर पंडित माई दास को उनके सभी तनाव से मुक्त किया, तब से यह स्थान चिंतपूर्णी के नाम से लोकप्रिय हो गया। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में बांट दिया था, तब चिंतपूर्णी में माता सती के चरण गिरे थे। यहाँ पर हमारे बैजनाथ हम चाहते हैं कि यात्रा